नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। एएमपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला हूँ वो विज्ञान विषय का हिंदी और इंग्लिश वर्जन में कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा जो आपकी स्टार्ट होने वाली है 1 मार्च से और 3 मार्च सॉरी माफ़ कीजिएगा 3 अप्रैल को आपका पेपर रहेगा विज्ञान का। तो विज्ञान का पेपर आपका अच्छा जाए आप चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं वे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो पूरे के पूरे छपने वाले क्वेश्चन है 3 अप्रैल को। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। जितने भी दोस्त हमारे कक्षा 9वीं वाले इस लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो जल्दी से, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी इसी प्रकार अपडेट मिल सके। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से, और सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखेंगे। स्क्रीन पर आप पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं। प्रश्न पहला, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प को चुनकर लिखना है। तत्व के द्रव्यमान प्रतीक आयतन को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है, राइट आंसर होगा आपका घनत्व। घनत्व को आप राइट आंसर यहाँ पर लगाएंगे। अगला प्रश्न आपका, द्रव धातु कौन सी है? तो द्रव धातु जो होती है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका पारा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, विलयन के बड़े अवयव को क्या कहते हैं? तो विलयन के बड़े अवयव को कहते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर राइट आंसर लगाओगे विलायक। विलायक राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 12। 12 आपका करेक्ट आंसर है। अगला है, नाभिकीय भौतिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो नाभिकीय भौतिकी के जनक जो कहा जाता है वो कहा जाता है रदरफोर्ड को। अगला प्रश्न आप देखेंगे, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो पावर हाउस है वो कहा जाता है माइटोकांड्रिया को। अगला प्रश्न आप देखेंगे, जड़ व तने के अग्रस्त भाग उपस्थित ऊतक को कहा जाता है, तो इसको स्टूडेंट कहा जाता है विभोजतक कहा जाता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, कौन सा उभयचर जंतु है? तो कौन सा ऐसा जंतु है जो पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है? तो देखिए मेंढक आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 2, आपको सही विकल्प यहाँ पर नहीं मिलते हैं क्योंकि आपको डायरेक्ट यहाँ पर खाली स्थान भरना रहता है। तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या होती है? जाति। जाति आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। वेग एक एक प्रकार की राशि है, तो वेग एक प्रकार की कैसी राशि है? सदिश। सदिश इसमें आप लिखोगे। प्रत्येक क्रिया में बराबर तथा प्रतिक्रिया होती है, तो इसमें आ जाएगा विपरीत। विपरीत क्रिया प्रतिक्रिया होती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को बल कहा जाता है, तो इसे हम गुरुत्व कहते हैं। गुरुत्व, गुरुत्व बल कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की दर कहलाती है, तो इस खाली स्थान में आप लिखोगे शक्ति। शक्ति आपका सही उत्तर इसमें होगा। ध्वनि तरंगे होती है, यांत्रिक तरंगे। और अगला है, हेपेटाइटिस से प्रभावित होने वाला अंग, तो ये होता है आपका यकृत। इसे यकृत कहते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर, एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर देखिएगा, गलती किसी प्रकार की नहीं करना है।
जितने भी दोस्त हमारे क्लास 9th वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, विज्ञान का पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। स्टूडेंट्स, जितने भी दोस्त हमारे 9th वाले जुड़ चुके हैं, अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं करा है तो देखिए, मेरे कहने से तो मेरी बात आप मानेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर आपने भी इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। CFC का विस्तारित नाम क्या है लिखिए, तो इसका होता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन, है ना। तो CFC, क्लोरो सी, फ्लोरो ए, कार्बन सी, CFC। पशुधन प्रबंधन को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है पशु पालन। जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं, तो जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है वो होती है कोशिका। कोशिका यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, टीकाकरण की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो टीकाकरण की खोज जो की गई थी वो की गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा। अश्वशक्ति किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, तो अश्वशक्ति किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, तो यह होता है शक्ति का। अगला WHO का विस्तारित नाम क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में बोले तो। क्वेश्चन नंबर 14, सही जोड़ी का मिलान कीजिए, तो सोनार, ठीक है, सोनार को आप यहाँ पर मिलाओगे जिंक से, जिंक से आपको इसको मिलाना है, ठीक है, जोड़ी मिला देते हैं यहाँ पर। सोनार को आप जिंक से मिलाओगे, कार्बन को आप मिलाओगे सी से, खरपतवार को आप मिलाओगे गाजर घास से, और दाब का जो मात्रक होता है वो होता है पास्कल, और मोनेरा जगत इसको जीवाणु से आप मिलाओगे, और फंजोई जगत इसको आप मिलाओगे राइजोपस से। अगला प्रश्न आप देखेंगे 5वां, रासायनिक सूत्र से आप क्या समझते हैं लिखिए, क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है समझाइए, ये प्रश्न भी आपका 2 नंबर का है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किरणें किसे कहते हैं लिखिए, और आगे क्वेश्चन देख सकते हैं, रसदानी के कार्य क्या है लिखिए, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी और कैसे लिखिए, और क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं। इन क्वेश्चन 9 को आपने यदि पढ़ लिया तो स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन आपको 3 अप्रैल को जो आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है क्लास 9th का, वहाँ से आपको बहुत सारे जो आपके क्वेश्चन हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स आप प्राप्त करोगे। तो जितने भी दोस्त हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, अपने सब दोस्तों को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको आगे भी इसी प्रकार अपडेट मिल सके। ये पूरे क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये 22 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आगे भी अपडेट आप लोगों के लिए जल्दी ही मिलेगी। धन्यवाद।